जमीन लिखवाते हैं, बिल्डिंग का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अरे जिसके जिस गरीब बेटा से आप बात कर रहे हैं, मैं परिवारवाद और वंशवाद से निकल करके नहीं आया हूँ। ये पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री बनने के लिए अपार्टमेंट खरीद के देना पड़ता था, जमीन लिख देना पड़ता था, माँ बहनों को जेवर जेवरात देना पड़ता था, तब लोग मंत्री बनते थे। एक अन्य मार्ग में खनन विभाग की बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ, एक जिस तरीके से खनन विभाग के जो मंत्री हैं जनक राम वो मौजूद थे, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे। लेकिन जब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बाहर निकले, उनसे फिर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया और साफ तौर पर फिर से बसते नजर आए। आपको बता दें कि आखिर इस तरीके की बात तारकिशोर प्रसाद पर जब आरोप लगी है, बावजूद तारकिशोर प्रसाद ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। लेकिन जनक राम से यह सवाल किया गया कि आखिरकार आपके उप मुख्यमंत्री हैं, आपके सहयोगी हैं, क्यों आखिर इस तरीके के पर उन पर आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया गया है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। हालांकि इस पर उनका कहना है कि इस बात की जानकारी उन्हें से लीजिए, लेकिन जो जनक राम है उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लालू प्रसाद यादव और जब राबड़ी देवी की सरकार थी उस वक्त जो है वो मंत्री बनने के लिए जो है वो पैसे देने पड़ते थे, जेवर बेचने पड़ते थे, इस तरह की बात जनक राम कह रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद फिर भी जवाब नहीं दिए हैं। आज सवाल किया गया लेकिन जवाब नहीं दिए हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उन्होंने जब मीडिया ने सवाल किया तो उनकी गाड़ी किस तरीके से बढ़ी और जनक राम का क्या बयान है वो भी सुना है। 1 अक्टूबर से सुगम तरीके से आम लोगों को बालू मुहैया हो सके उसी संबंधित आज बैठक बुलाई गई थी। 1 तारीख से 1 अक्टूबर से सबको खनन करने का जो बंदोबस्तधारी थे उनको मौका मिले और आम जन को सुगम और जो सरकारी रेट दर है उस पर लोगों को बालू मुहैया हो सके। सर अभी भी अवैध बालू का खनन हो रहा है उस पर तो बड़ी, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को कोटशा धन्यवाद बधाई देता हूँ कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब भी बातें आती है संज्ञान में सरकार की त्वरित कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है और फिर भी इसमें अगर किसी की संलिप्तता आ रही है तो फिर कार्रवाई करने की सरकार सोच रही है और कार्रवाई होती भी है। सर आज तारकिशोर प्रसाद आए थे और उन पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, इस मुद्दों पर भी चर्चा हुई क्या? नहीं ऐसा ही सर, आज इस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक है, आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं उपमुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम पर बड़ा आरोप नेता विरोध लगा रहे हैं कि आपके सहयोगी हैं कैबिनेट में संबंधी लोग घोटाला किए थे, नहीं उस पर कोई चर्चा नहीं। अगर इस तरह की बातें अगर विरोधी दल की बात लोग करते हैं तो ये अफवाह है। नहीं मंत्री जी, कागज पत्र लेके बैठे हुए थे, मतलब विधिवत सारी बातें उन्होंने रखी है, क्या कहेंगे, सही हो रहा है आपकी सरकार? उनसे विधिवत जानकारी ले लीजिए, विपक्ष के नेता कहाँ कहाँ उन लोगों ने जमीन लिखवाते हैं, बिल्डिंग लिखवाते हैं। अरे जिसके जिस गरीब बेटा से आप बात कर रहे हैं, मैं परिवारवाद और वंशवाद से निकल करके नहीं आया हूँ। ये पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री बनने के लिए अपार्टमेंट खरीद के देना पड़ता था, जमीन लिख देना पड़ता था, माँ बहनों को जेवर जेवरात देना पड़ता था, तब लोग मंत्री बनते थे। हम तो NDA गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के गरीब परिवार में जन्मा, जनक जमाल को सवाल का जवाब आप सुनते नहीं। मैं उस परिवार से आता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को मैं कोट से बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं वो पहले अपने गिरवान में झांक करके देखें, उनके माता पिता बिहार प्रदेश के समस्त जनता के साथ उन लोगों ने क्या किया था। और ये सवाल मुझसे आप पूछा जा रहा है तो मैं गरीब परिवार भी है तो कुछ सब बधाई भारतीय जनता पार्टी को जाता। इस्तीफा मांगा जा रहा है तारकिशोर प्रसाद जी, जो डिप्टी सीएम है, विपक्ष मांग रहा है, आपके सहयोगी है, आरोप लगा तो कहा जा रहा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए या फिर जवाब देना चाहिए सामने आकर। ये जनता चुन के भेजती है ना, जनता सरकार बनाती है, वो तो लोग महामहिम गवर्नर के यहाँ लोग लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब किसी को, जनक चमार को माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के आदेश हो गया कि इस्तीफा लगा दो, जनक चमार इस्तीफा लगा दे। लेकिन बोलने से क्यों बच रहे हैं सर? मैं तो बोल रहा हूँ, ये सवाल उनसे पूछेंगे, धन्यवाद सबको।